Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Code with Riya. So in today's lecture we would be talking about ASCII codes या फिर आप इसको ASCII values भी बोल सकते हो, गलत नहीं होगा. मैं in the last lecture मैंने आपको एक question दिया था and that question was that you have to print the alphabets from A to Z. अब ये आप कैसे कर सकते हो, इनको आप कर सकते हो ASCII codes के थ्रू. आज पढ़ाने ASCII कोड्स बेसिकली होते क्या है, आपके जो कीबोर्ड होता है, अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो, कीबोर्ड या आप यूज कर रहे हो, उसमें जितनी भी कीज है उन सबकी एक ASCII कोड होता है, उन सबकी ही एक ASCII वैल्यू होती है. चाहे आप 1 2 3 4 नंबर्स ले लो, या फिर आप ABCD अल्फाबेट्स ले लो, या फिर आप टैब की ले लो, स्पेस की ले लो, शिफ्ट की ले लो, बैक स्पेस की, एंटर की, या फिर आप ऑपरेटर भी ले लो, प्लस माइनस इक्वल्स टू, इन सभी के ASCII कोड्स होते हैं. लेकिन सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है, हम तीन पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपर केस की, अपर केस लेटर्स जो कि आपके होते हैं कैपिटल A टू कैपिटल Z. इनकी जो वैल्यू होती है दैट रेंजेस फ्रॉम 65 to 90. 65 इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल A, 90 इज द वैल्यू ऑफ द कैपिटल Z. सेकेंड जिसकी हम बात करने वाले हैं वो होने वाला है आपका लोअर केस. लोअर केस लेटर्स में बात करते हैं हम स्मॉल ए टू स्मॉल जी. तो यहाँ पे जो वैल्यू रेंज होती है दैट इज फ्रॉम 97 to 122. 97 इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए एंड 122 इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल बी. तीसरी चीज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है आपकी डिजिट्स. डिजिट्स दैट इज फ्रॉम 0 to 9, इनकी भी वैल्यूज होती है. ऐसा नहीं है कि ये नंबर्स हैं इसीलिए इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है. तो इनकी वैल्यूज रेंज करती है फ्रॉम 48 to 57, जहाँ पे 48 इज द वैल्यू ऑफ जीरो एंड 57 इज द वैल्यू ऑफ. अब आते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पे. मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आपको ए टू जेड क्या करने हैं, नंबर लेटर्स को प्रिंट करवाना है. आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली आई को लिख सकते हो ए एंड देन आप इनिशियल जेड को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, देन आप प्रिंट कर सकते हो. बट इसका जो एफिशिएंट एंड द मोस्ट रिलायबल मेथड जो है वो होता है आपका ASCII कोड्स के थ्रू आपको प्रिंट कराना है. डेटा टाइप्स का मैंने आपको एक हिंट इसलिए दिया था क्योंकि इसके अंदर आप कैर को यूज करते हो. मैं आपको इसका कोड दिखाती हूँ. सबसे पहले आपने अपनी हेडर फाइल लिखी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन लिखा. मैंने एक आई वेरिएबल बनाया दैट टू ऑफ कैरेक्टर टाइप. कैरेक्टर टाइप को क्यों बनाया, ताकि मैं इसकी जो भी वैल्यूज को असाइन करती हूँ उसके करस्पॉन्डिंग में कोई भी कैरेक्टर है या फिर कोई भी ऑपरेटर है तो वो प्रिंट होकर आ जाए मेरे पास. मैंने यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग किया 65. अब क्योंकि मुझे यहाँ पे कैपिटल ए टू कैपिटल जी तक प्रिंट कराना है, तो मैं ये वाली रेंज को मैं क्या करूंगी, यूज करूंगी. 65 से मैंने इनिशियलाइज करा, मुझे जाना कहाँ तक है, जेड तक, दैट इज मुझे 90 तक जाना है. और अगर मुझे जेड भी प्रिंट कराना है तो मुझे इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा, कंडीशन लगाई हमने दैट आई इज लेस देन और इक्वल टू 90. सिंपली हमने आई को यहाँ पे प्रिंट करा दिया. मैंने यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा स्पेस दिया ताकि विजिबिलिटी हो जाए एंड बैक स्लैश एन हम लगाते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए. एंड देन हमने किया आई प्लस प्लस एंड देन हमने किया रिटर्न जीरो. इसका आउटपुट करके मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पे ए से लेकर पूरा जेड तक आपकी अल्फाबेट सीरीज प्रिंट होकर आ चुकी. अब ये कैसे हुई मैं आपको इसका ड्राई रन समझा देती हूँ, पूरे में नहीं समझा पाऊंगी, थोड़ा सा समझा देती हूँ मैं. यहाँ पे समझा, जब आपके आई की वैल्यू थी 65 तो कंडीशन चेक हुई दैट इज 65 लेस देन और इक्वल टू 90. कंडीशन ट्रू हो गई तो आई की वैल्यू दैट इज 65 की वैल्यू, बट क्योंकि मैंने इसका जो डेटा टाइप है इज कैर, तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो भी कैरेक्टर आएगा, चाहे वो ऑपरेटर भी हो सकता है या फिर कोई लेटर भी हो सकता है, तो वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. एंड 65 के करस्पॉन्डिंग में कौन सी वैल्यू आती है, हमने अभी बात करी कि ए आता है.
मेरा ए प्रिंट हो जाएगा। नाउ डोंट अज्यूम कि ये जब आई प्लस प्लस पे जाएगा तो ए से बी होगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे प्रिंटिंग के समय ही इसकी वैल्यू ए प्रिंट होगी, बट बाकी अगर हम प्रोग्राम पे ध्यान दें तो आई की वैल्यू 65 ही है। 65 से इसका इंक्रीमेंट हुआ, 65 से इंक्रीमेंट होके इसकी वैल्यू हो गई 66। इसकी वैल्यू हुई एंड देन अगेन कंडीशन चेक हुई, दैट इज 66 लेस देन इक्वल टू 90, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पे क्योंकि कैरेक्टर टाइप है तो यहाँ पे किसकी वैल्यू प्रिंट हुई है, बी की वैल्यू प्रिंट हो गई। ऐसे ही करते करते आपकी पूरी वाई जेड तक वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। 26 को बार बार से चेक करना, बार बार प्रिंट करना भी पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको समझा दिया कि कैसे हो रहा होगा एंड बाकी आप इस प्रोग्राम को खुद से भी करके देख सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोग्राम जो कि मैंने आपको दिया था, एंड दैट वाज टू प्रिंट द नंबर्स 10 to 1। वैसे तो ये बहुत ही बड़ा काम नहीं है, मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन कराया था कुछ इस तरीके का, तो अगर आप इससे भी करते, अगर आप इस पूरे मेथड को फॉलो कर कर करते तब भी आपसे हो जाता। बट मैं आपको फिर भी बता देती हूँ आपको इसमें क्या करना है। यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है 1, यहाँ पे आपको लिखना है 10, क्योंकि आपको 10 to 1 प्रिंट करना है। दैट इज कि मुझे 10 से जाना है 1 पे, तो 10 मेरा इनिशियलाइजेशन पॉइंट होगा एंड 1 मेरा एंड पॉइंट होगा। तो आई को मैंने इनिशियलाइज करा 10 से, वाई में कंडीशन जब मेरी चेक होगी तो ये ऑपरेटर इस साइड हो जाएगा क्योंकि आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 10 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल। कुछ इस तरीके से आपकी कंडीशन दिख रही होगी आपको। फिर आप यहाँ पे नॉर्मली आई की वैल्यू प्रिंट करवा दोगे एंड आई प्लस प्लस की जगह, क्योंकि अब मुझे 10 से 1 जाना है, दैट इज मुझे हर बार माइनस करना पड़ेगा तभी तो मैं 1 तक पहुंचूंगी। तो यहाँ पे इसकी जगह पे आप लिखोगे आई माइनस माइनस एंड दिस, एंड आपका प्रोग्राम प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको इसका भी हम दिखा देती हूँ। ये रहा, सबसे पहले आपने लिखी हेडर फाइल यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, एंड देन आपने आई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, उसको इनिशियलाइज करा 10 से। आई की वैल्यू यहाँ पे बड़ी होगी 1 से, बिकॉज आई 10 है ऑब्वियसली। आई की वैल्यू को मैंने प्रिंट कराया एंड देन आई माइनस माइनस 10 से ऊपर जाएगी वैल्यू, दैट इज इंक्रीमेंट कैसे होगा, इंक्रीमेंट कैसे हो रहा होगा, 10 आई माइनस माइनस हुआ आपका, आई की वैल्यू है 10, तो 10 में से अगर मैं माइनस 1 करूंगी दैट वुड बी 9, तो 9 से फिर वापस से कंडीशन चेक होगी, दैट इज 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, 9 प्रिंट हो जाएगा। फिर इस तरीके से ये काम करेगा। इसका भी मैं आपको आउटपुट दिखा देती हूँ एक बार। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो दैट इज 10 to 1 प्रिंटिंग हो रही है। 10 आया पहले, 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, कुछ इस तरीके से आपकी प्रिंटिंग हुई है। तो आज हमने पढ़ा है ASCII कोड्स के बारे में। ASCII कोड्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जब भी आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस को करना होता है कि आपको किसी ने बोल दिया कि अल्फाबेट प्रिंट कराओ तो भी आपको करना होता है। कोई बोल सकते हैं कि ASCII कोड को यूज करते हुए कुछ इस तरीके का सिंबल भी प्रिंट कराओ तो आप वो भी प्रिंट करवा सकते हो, स्टार भी आप प्रिंट करवा सकते हो। इस पे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से ही, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं डू वाई लूप के साथ। एंड इन द प्रीवियस लेक्चर ओनली मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हम साइमल्टेनियसली एक सीरीज, एक क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं बहुत ही ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत बार आते हैं वो हम उनमें करेंगे। साथ के साथ हमारा टॉपिक भी चलता जाएगा, साथ के साथ हमारी सीरीज भी चलती जाएगी। संडे एंड मंडे को हमारा वीडियो आता है, तो संडे को तो हम लेक्चर वाइज जो भी हमारा लेक्चर है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, एंड मंडे को जो आएगा वो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज का पार्ट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर न्यू टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, एंड इफ यू वांट दीज हैंड रिटन नोट्स देन यू कैन गो टू द टेलीग्राम। द टेलीग्राम लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड द नोट्स एज वेल। इस लेक्चर के भी नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे ही दूंगी, सो मेक श्योर यू आर ज्वाइंड ओवर देयर ऑल्सो।
थैंक यू सो मच एंड स्टे हैप्पी स्टे सेफ.